रांची कटरू स्थित शिव मंदिर का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसे लेकर शिव मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। बता दें कि 19 जून से 26 जून तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। वहीं समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार ओझा ने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दो बार शिवलिंग की स्थापना की गई है। पहले शिवलिंग की स्थापना 1973 में हुई थी, लेकिन बारिश के पानी की वजह से सारा पानी शिवलिंग के पास आ जाता था, जिसके बाद 1993 में एक बड़े मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसके बाद अब 26 जून 1998 में बड़े मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। वहीं मंदिर का 50वां वर्षगांठ पूरा हो गया, जिसे लेकर शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया और काफी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर भी पहुंचे। आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो बार हमारे शिवलिंग का स्थापना हुआ। वो शिवलिंग की स्थापना जो हुई थी वो 73 में हुई थी। उसमें एक छोटा सा मंदिर था, मंदिर बहुत दिन तक चला, लेकिन बरसात का पानी एक दिन भरने लगा था। मेरे मन में इच्छा हुई कि अब उस मंदिर के बदले में एक बड़ा मंदिर का निर्माण किया जाए। तो फिर हम लोग करीब करीब 92-93 में बड़े मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम हम लोग शुरू किए, और 26 जून आज ही के दिन 26 जून 1998 में इनके प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो इनका 25 वर्ष हुआ, उनका 50 वर्ष हुआ। ये भगवान का संयोग है कि एक का 25, एक का 50, और संयोग बहुत ही अच्छा है। उस समय भी 26 जून 1998 में जगन्नाथ मंदिर का ये था, समय था, जगन्नाथ पूजा हो रही थी। आज हम लोगों को 20 तारीख को हो गया, इसी बीच में हो गया। 19 तारीख से हम लोग का कथा प्रारंभ हुआ और 21 तारीख को ही गुप्त अमावस्या नवरात्रि भी स्टार्ट हुआ। तो ये बहुत बड़ा ही संयोग था। सोमवार से स्टार्ट करके या फिर सोमवार को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई चीज़ और नहीं हो सकता।